गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह गंगारोथ। आज हम बात करेंगे पैरेलल बार पे क्रेन पोज, बक आसन या क्रो पोज किस प्रकार से किया जाता है। जैसा भी आपने देखा इस तरीके से हमें करना है। इससे पहले वैसे मैं आपको बक आसन का वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें हमने ये बताया है कि उसको हमें ज़मीन पर कैसे करना है। तो उसको देखने के लिए कैसे करना है, आप उस बक आसन वाले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एक बार ये पता लग जाए कि हमें उसे करना कैसे है। अब फ़र्क इतना है कि क्योंकि वो हम ज़मीन पे करते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। हम आगे तकिया या गद्दा रख लेते हैं, जिससे हम गिरें तो नाक पे या सिर पे या मुंह पे लगे नहीं। इस पे करने के लिए जब आपका परफेक्शन नीचे हो जाए उसके बाद ही आप इस पे करें, अन्यथा अगर आप गिरें तो इंजरी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ जाए उसके बाद हम इस पे करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आप यहाँ आ जाएं, अगर आप थोड़े से परफेक्ट हैं और अगर आपको आदत है पैरेलल बार पे करने की, तो आप इस प्रकार से चढ़ जाएंगे आसानी से ये। लेकिन अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो ऐसे जंप लगा के नहीं चढ़ सकते, तो पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसे जाएं, फिर ऐसे कर लें, यूँ करके धीरे धीरे आए ऊपर की ओर, ऐसे करके फिर यहाँ पर आप आएंगे और फिर यहाँ धीरे धीरे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले एक पैर पर ले लें ऐसे, और फिर धीरे धीरे आप दूसरे पैर को उठाएंगे इस प्रकार से, और सामने किसी को खड़ा कर लें शुरू शुरू में, ताकि अगर आप गिरें या गिरने जैसा लगे आपको तो वो आपको बचा सके। ये इस प्रकार से हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया है ये क्रेन पोज। अगर आपको आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपके बॉडी का बैलेंस बढ़ाना है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। नीचे कर सकते हैं, पहले नीचे प्रैक्टिस करें फिर इस पे करें। इसके अलावा रिस्क ना लें, ज़बरदस्ती ना करें। आजकल सभी जगह जहाँ पर भी पार्क होते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके के पैरेलल बार्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाएँ और प्रयास करें। आप करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस बक आसन की मैं पहले बता चुका हूँ, तो आज इसमें सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।